दिस इज यू आर वॉचिंग वर्क इट आवर जॉबफुल फ्रेंड्स, मैं लेके हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और फ्री जॉब। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आज का ये जॉब होने वाला है तमिलनाडु लोकेशन के लिए होने वाला है। अब तमिलनाडु का नाम सुन के काफ़ी लोगों के लड़के लोगों के मन में ये डर रहेगा कि सर तमिलनाडु में तो ये चल रहा है, तमिलनाडु में वैसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, बताने कितनी कितनी बातें हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। ऐसा नहीं है, ऑलरेडी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स वहाँ पे जा चुके हैं, काम कर रहे हैं, कुछ इश्यू हुआ था नहीं करके नहीं, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है वो सबको पता है। एनीवे, हम उस मुद्दे पर नहीं जाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं अपनी ही एक नई यूनिट में अलग काम की, फैक्ट्री हेल्पर में। हेल्पर वर्क रहेगा, हेल्पर कैटेगरी में रहेगा। इसमें अनपढ़ से लगाकर पढ़े लिखे तक अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी होने वाली है इसमें स्टार्टिंग का 15,000 इन हैंड, 15,000 इन हैंड सैलरी रहेगा। ESIPF नहीं रहेगा इसमें। एक्स्ट्रा फैसिलिटी आपका OT मिल जाएगा। OT मिला के इसमें आपकी सैलरी जाएगी 17-18,000 रुपये आराम से। हफ्ते का छुट्टी रहता है। इसके अलावा ड्यूटी जो रहती है वो 12 घंटा ड्यूटी रहता है। 12 घंटा ड्यूटी का OT मिला के आपका 17-18,000 रुपये आराम से होता है। काम क्या रहेगा कि सूट ब्लास्टिंग मशीन का काम रहेगा। तो अब ये जो काम है, मतलब काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में काम क्या है, करना क्या रहेगा। वैसे हेल्पर कैटेगरी की समझ लीजिए, जो मशीनें रहती हैं, मशीन के पास जो है हेल्पर का काम रहेगा। बाकी आप कॉल करेंगे तो हम लोग आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअल में क्या काम रहेगा वहाँ पे। शूट मोल्डिंग मशीन का काम रहेगा। तो एक्चुअल में आप बात फ़ोन करेंगे तो उसका एक्सप्लेनेशन कर दिया जाएगा हमारी टीम की तरह कि एक्चुअल में आपको वहाँ पे क्या काम करना रहेगा। तो गाइस, मेल कैंडिडेट्स रिक्वायरमेंट रहेगा, लैंग्वेज इसमें कोई भी चलेगी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयाली, कोई भी लैंग्वेज का चलेगा। कंपनी की तरफ से रूम की फैसिलिटी फ्री रहेगी, जो विदाउट एनी चार्जिंग का रहेगा। कोई भी आपसे रूम का पैसा नहीं लिया जाएगा। कंपनी की तरफ से खाना नहीं है इसमें, खाना पीना आप अपने से करेंगे। पहले जो लड़के रह रहे हैं उनके साथ में या तो बना के खा सकते हैं या फिर आप पर्सनल अपना जो है कुछ सामान लेके चलते हैं तो उसमें आप कर सकते हैं। OT भी मिलती है इसमें, प्लस संडे के जो कैंडिडेट्स ड्यूटी करता है उसका भी अलग से पैसा आपको मिलता है इसमें। गाइस, वीडियो को पूरा देखें तभी कॉल करें। काफी सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि सैलरी देख के फोन उठा देते हैं, कॉल कर देते हैं। वो संडे नहीं देखते, वो रात के 11 बजे नहीं देखते, वो रात के 12 बजे नहीं देखते कि टाइम क्या हुआ है। तो रिक्वेस्ट आपसे यही रहता है कि पहले अच्छे से वीडियो को देखिए, अगर कुछ डाउट्स है तो आप आराम से कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का हमेशा की तरह टाइमिंग वही रहता है, सुबह 10 से शाम 5 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे के बीच में। इसमें फीमेल का रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स रिक्वायरमेंट है। एज लिमिट की बात करूँ तो 18 से लगाकर 35 लास्ट, 18 से लगाकर 35 साल लास्ट। अब इसमें क्या रहता है कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे रहते हैं जो 40 इयर्स के होते हैं। आधार कार्ड में, सर मेरा आधार कार्ड में एज ज़्यादा है लेकिन मैं दिखने में हटा कटा हूँ। गाइस, एक्चुअल क्या रहता है कि प्राइवेट लिमिटेड जितनी भी कंपनी रहती है उनका एक रूल्स रहता है कि वो डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से चलता है। आपके डॉक्यूमेंट्स में आपकी क्या एज है, आपकी उम्र कितनी है वहाँ पे। अगर कंपनी का क्राइटेरिया उसमें जो है 35 इयर्स है कि कंपनी वाला 35 साल लास्ट लेता है, चाहे आप हट्टे कट्टे हैं या कैसे भी हैं, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में एज जो है 40 हो चुकी है या 35 से अबव हो चुकी है तो कंपनी आपको नहीं लेती है। काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स जिद करने लग जाते हैं, नहीं सर आप एक बार मुझे देख ही लीजिए ना, सर मैं हट्टा कट्टा हूँ, मैं काम कर सकता हूँ, वो तो सर मेरा आधार कार्ड में जो है एज ज़्यादा हो गया था। तो ऐसा नहीं होता गाइस, आपकी बात सही है, आपको काम की रिक्वायरमेंट है, आप काम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी के ऐसे होते हैं जो डॉक्यूमेंट्सली जो है रिक्वायरमेंट रहता है ना उसके अकॉर्डिंग फुलफिल होता है। आपके कहने से, मेरे कहने से नहीं होगा। जो है आप आ जाएंगे हट्टे कट्टे है, कंपनी वाला देख के आपको जो है जॉब पे रख लेगा, ऐसा नहीं होता है। आपका डॉक्यूमेंट्स में क्या रिक्वायरमेंट रहता है वही वहाँ पे जो है मान्य रहता है। और
कम उम्र वाले भी लड़के अप्लाई कर सकते हैं, बोले कम उम्र वाले लड़के भी फोन करते हैं, जो 17 साल के हैं वो भी जो है फोन, सर जो है मैं दिखने में ठीक हूँ सर, 18-19 साल का लगता हूँ लेकिन मैं काम कर सकता हूँ। जब उनका डॉक्यूमेंट्स आता था पता चलता कि वो 17 साल के हैं। तो गाइस मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोगों का एक क्राइटेरिया रहता है, कंपनी का क्राइटेरिया रहता है, जो आगे से कंपनी जो हम लोगों को एक क्राइटेरिया दे रही है कि हम लोग इस जो है एज लिमिट के बंदे का रिक्वायरमेंट है, तो उसी हिसाब से हम लोग उसको फुलफिल करते हैं, उसी हिसाब से उसको प्रोवाइड करते हैं। आप लोगों के पास नहीं, हम लोगों के पास आप लोगों के लिए 35 वाले को लेके अलग जो है काम मिल जाएगा, और उससे ज्यादा वाले का भी अलग काम मिल जाता है। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं जो जॉब बता रहा हूँ या फिर ज्यादा सैलरी वाली जॉब उसमें जो है मैं अप्लाई करूँ, तो वो पॉसिबल नहीं होता। तो थोड़ा इस चीज का ध्यान रखें। और बस, और दूसरी बात कि गाइस एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि काफी सारे कैंडिडेट्स जो रहते हैं वो पता नहीं कौन सी एजेंसियों से जो है ज्वाइनिंग फॉर्म के नाम पे, मतलब कितना क्या क्या लुटवा के वो आते हैं। आने के बाद में वो रामायण जो हमारे पास होता है, सर वो XYZ कंपनी ने हमको जो है लूट लिया, हमको जो है इतना पैसा ले लिया, इतना पैसा दिया ही नहीं, ये वो जो भी है। तो गाइस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज पहले तो आप उनके चुंगल में नहीं फंसे। वो धोखा करता है, सैलरी में भी धोखा करता है, लूटने में भी धोखा करता है। ऐसी कौन सी भी कंपनी नहीं जो कंसल्टेंसी फीस लेती है। आप बड़े बड़े प्लेटफॉर्म को देख लीजिए, वैसे अगर मैं नाम बताऊं तो अपना ऐप इतना बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, वर्क इंडिया इतना बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, इंडीड जिसमें लाखों जो है कैंडिडेट्स जो है कंपनी वाले कैंडिडेट्स जो है उसमें अप्लाई करते हैं, इतनी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो भी जो है फ्री में जॉब प्रोवाइड करती है अपने कैंडिडेट्स को। तो ज्वाइनिंग फॉर्म का ऐसा नहीं है कि आप ज्वाइनिंग फॉर्म देना पड़ेगा, आपको कंसल्टेंट फीस देना पड़ेगा, लेकिन आप पहले जाते क्यों हैं वहां पे, क्यों वहां पे फंसते हैं। बहुत सारी ऐसी ऐसी ऐप है कंपनी की तरह जो है आई हुई है, बहुत सारी ऐसी ऐसी जॉब कंसल्टेंसी और बहुत ऐसी जो है हमारे जैसी बहुत सारी जो है कंपनियां हैं जो फ्री में जॉब प्रोवाइड करती है और जेन्युइन तरीके से आपको काम दिलवाती है। आप चाहे उसमें काम करेंगे, काम छोड़ेंगे, एक जगह से दूसरी जगह काम करेंगे, कोई भी चार्जिंग नहीं लिया जाता है जैसी दूसरी कंपनियां और दूसरी जो है एजेंसियां लेती हैं। तो पहली बात है कि आप अगर पैसे दे के आ गए हैं वहां पे, लूट गए हैं, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि ये बातें हमारे यहाँ आके शेयर नहीं करें। आपके साथ धोखा हुआ तो भाई आप सलेटिए उसको यार, आपको पता है कि वो लूटने वाली एजेंसी है, वो पैसे लेती है, तो वहां पे अप्लाई क्यों करते हैं। दूसरी बात, अगर आप पैसे दे दिए हैं तो वहां पे काम कीजिए, वो अपना पैसा वसूल कीजिए वहां पे, 1 महीना, 6 महीना, 4 महीना काम कीजिए ताकि आपको वो पैसे का कुछ वैल्यू मिल सके। नहीं तो आप हर बार 1-3 हजार, 5 हजार, 6 हजार देते रहेंगे तो आप कमाने से रहे। लास्ट ईयर इंपॉर्टेंट बात यह है कि कभी भी जो है गाइज आप एक वीडियो देख के दूसरे वीडियो में डंप नहीं करें, क्योंकि ये रहता है आपकी एबिलिटी के ऊपर। मुझे अगर कंप्यूटर चलाना आता रहेगा और मैं कंप्यूटर चला सकता हूँ, तो मैं वही वीडियो देखूँ और वही जॉब में अप्लाई करूँ जहाँ कंप्यूटर की चलाने की नौकरी हो और जहाँ कंप्यूटर की फैसिलिटी हो। अगर मैं कंप्यूटर चलाने वाला 20 हजार की सैलरी देख के सेल्समैन का काम या फील्ड के काम में चला जाऊँ ना, तो वहां पे मैं ज्वाइनिंग तो हो जाऊंगा, हमारी की तरफ कंपनी की तरफ से ज्वाइनिंग तो ले लेगी, लेकिन फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तो आप अच्छे से सीख पाएंगे ना, कंपनी आपको अच्छे से कोऑपरेट कर पाएगी। उस सिचुएशन में कंपनी क्या करती है कि आपका 50% जो है 50 डेज लाइक दैट, आपने 1 महीना काम किया तो 1 महीने का कंपनी क्या करती है कि आपके 10 दिन, 12 दिन या फिर 5-6 दिन ट्रेनिंग पीरियड का आपको थोड़ा पैसा डिडक्शन कर लेती है। वो कुछ कुछ ही सिचुएशन में या कुछ ही कंपनी में ऐसा मतलब रहता होता है ऐसा। तो आपके रिक्वेस्ट है कि देखिए कभी भी जो है ना आप अपनी एबिलिटी, आप अपनी काबिलियत पहचाने। अगर आप हेल्पर कैटेगरी में जाना चाहते हैं, हेल्पर में इंटरेस्टेड है, तो हेल्पर का ही काम करें। मान लो आप हेल्पर में ज्वाइन हो गए हैं और कोई ऐसा वीडियो आ गया जिसमें सैलरी ज्यादा है और आप फिर फोन करते हैं कि सर मुझे वो काम करना है, हालांकि वो काम आपको आता नहीं है, फिर भी आप बोल रहे हैं सर मुझे वो काम करना ही करना है, फिर क्या करती है हमारी कंपनी कैसे भी करके आपको समझाती है। आप 2-4 दिन वहां पे काम करते हैं, फिर वहां से भाग जाते हैं, न तो काम आपका वो पसंद आता है, न लड़का कंपनी को पसंद आता है। तो इसलिए ऐसा काम नहीं करें, जहां आपकी एबिलिटी है, जहां आपकी काबिलियत है, उस काम में अप्लाई करें। हमारे यहाँ बहुत सारी
अनपढ़ से लगाकर ग्रेजुएशन वालों तक के लिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, कम उम्र वालों के लिए, ज़्यादा उम्र वालों के लिए और अनपढ़ वालों के लिए बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज, बहुत सारे ऐसे काम चल रहे हैं जिसमें रहना खाना फ्री रहता है, जिसमें फ्री रूम रहता है, जिसमें अच्छी सैलरी रहती है, जिसमें कम सैलरी भी रहती है, हर टाइप का काम आप लोगों के लिए अवेलेबल रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट था गाइस, इसको थोड़ा ध्यान से देखें और इस जॉब में अप्लाई करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं दिए नंबर पे, जो दो नंबर हैं उस दो दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जब आपको लगता है कि एक कॉल जो है बिजी आ रहा था, दूसरे कॉल पे ट्राई कर सकते हैं, और लगता है कि दोनों कॉल बिजी आ रहा है तो एक 10-15 मिनट, 20 मिनट या फिर 1 घंटा छोड़ के कॉल कर सकते हैं। गाइस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना कभी ना भूलें, उनको कुछ हेल्प मिलती है, उनको कुछ काम मिलता है और वो भी पूरा फ्री में। हमारी कंपनी कभी भी आप लोगों से लूटने का, फ्रॉड करने का काम नहीं करती है। यहाँ पर ना तो कंसल्टेंसी फीस लिया जाता है, यहाँ पर ना तो ज्वाइनिंग फीस लिया जाता है, यहाँ पे ना तो आपसे कोई भी किसी तरह का चार्ज लिया जाता है। आप अपनी मर्जी से आइए, आप अपने जो है ज्वाइनिंग होइए और काम कीजिए और अच्छा कमाइए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो गाइस हम मिलते हैं कुछ एक और अलग अपडेट्स जॉब के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।